तो जय हिंद बच्चों। तो बच्चों, कल के क्लास में हमने देखा था सुनता है सबकाल के बारे में, तो आज हम देखेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। ठीक है, जिसने 29 साल की उम्र में अंग्रेजों को देश से भागने के लिए मजबूर किया था, लेकिन कुछ हमारे गद्दारों के कारण अंग्रेज फिर से यहाँ पर अपनी धाक जमा पाए, अंग्रेज बाद में यहाँ पर टिके। ठीक है, तो एक ऐसी लेडी जो पूरे अंग्रेजों को यहाँ से भागने के लिए मजबूर कर सकती है, तो अगर पूरा देश उस वक्त जुट जाता एक साथ, ठीक है, तो हम अंग्रेजों को 1858 हो 1857 में यहाँ से भगा देते। लेकिन कुछ चंद जो गद्दार लोग हैं उनके कारण हमारा देश फिर से आगे 100 साल, 80-90 साल तक गुलाम रहा। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में क्रांतिकारी कम थे और अंग्रेजों के जो चाकर है, अंग्रेजों को गुलाम है, जो अंग्रेजों की चमचागिरी करते हैं, वो ज्यादा थे। इसी कारण हमारा देश भी 1857 में आजाद नहीं हो पाया। ठीक है, आप सभी को मालूम है 1857 में क्या हुआ था। मंगल पांडे का केस हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे टाटा टोपे हो, बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ उस वक्त आंदोलन छेड़ा था। ठीक है, इसी को कहा जाता है रिवोल्यूशन ऑफ 1857। ठीक है, रिवोल्यूशन ऑफ 1857। तो आज हम जान लेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, जिन्हें हम बचपन में मणिकर्णिका का मनो छबीली नाम से जाने जाते हैं। ठीक है जी, अब इनका जन्म, उन्नीस नवंबर 1828 में इनका जन्म हुआ है, जो वाराणसी है उत्तर प्रदेश में, जिसे हम बनारस भी कहते हैं, जिसे हम काशी भी कहते हैं, वहां पर उनका जन्म हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जगह है। ठीक है, इनके पिताजी का नाम है मोरपंत तांबे, मोरपंत तांबे। ठीक है, इनकी माताजी का नाम था भागीरथी। ठीक है जी, तो रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था मणिकर्णिका, मणिकर्णिका मोरपंत तांबे, मणिकर्णिका मोरपंत तांबे। बाद में इनका ससुराल में जाके नाम हुआ। अब ससुराल का नाम देखते हैं हम, इनके ससुराल का नाम है लक्ष्मीबाई। जब ये ससुराल में जाती है तो इनका नाम चेंज किया जाता है, मणिकर्णिका से वो बन जाती है लक्ष्मीबाई गंगाधर नेवालकर। गंगाधर उनके पति का नाम है, नेवाल नेवालकर उनका सरनेम है। ठीक है, मोरोपंत तांबे जो थे वो बाजीराव सेकंड उनके यहाँ पर काम करते थे, बाजीराव द्वितीय, जो कहाँ पर रहने लगे थे, बाजीराव द्वितीय उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रहने लगे थे। ठीक है, उसी बाजीराव सेकंड के राजमहल में बड़ी हुई है मणिकर्णिका। ठीक है, तो बाजीराव जो द्वितीय थे उनके साथ रहकर वो युद्ध कौशल में पारंगत हो गई थी। तलवार कैसे चलाना है, भाला कैसे चलाना है, युद्ध कैसे जाया जाता है, जीता जाता है, इसकी सारी वो शिक्षा लेती थी बाजीराव सेकंड के महल में रहकर। ठीक है, तो मोरपंत पेशे मराठी थे ये। ठीक है, उसके बाद गंगाधरराव नेवालकर ये भी मराठी थे। तो रानी लक्ष्मीबाई को मराठी आती थी, हिंदी आती थी, इंग्लिश आती थी, लगभग लगभग चार पांच जो भाषा है उसमें पारंगत थी मणिकर्णिका। मणिकर्णिका को लाड़ प्यार से कहा जाता था मनी मनु, ठीक है, या फिर छबीली, छबीली यानी इसको कहा जाता है लाडली। छबीली का मतलब क्या होता है, लाडली। ठीक है जी, तो उनका बचपन अच्छी तरह से बीता है। उनकी जो माँ थी रानी लक्ष्मीबाई की, वो संस्कृत में बहुत पारंगत थी, संस्कृत भाषा में, ठीक है, वो रामायण महाभारत भी पढ़ाती थी। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की कुछ ही जन्मदिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो माँ का तो प्यार नहीं मिल पाया, लेकिन पिता का प्यार उनको मिला। उसके बाद अब हम चलते हैं 1942 में उनकी शादी हो जाती है।
इनके साथ झांसी के राजा गंगाधर गंगाधर नेवालकर, ठीक है, 1942 में झांसी, ठीक है, ये झांसी के महाराजा थे। झांसी के महाराजा कौन थे? गंगाधर नेवालकर, ठीक है, उनके साथ शादी हो गई मणिकर्णिका की। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि मणिकर्णिका बचपन से ही बहुत ही होशियार थी। मैंने जिस तरह से बताया आपको, बाजीराव द्वितीय के महल में रहकर उन्होंने सारी विद्या हासिल कर ली थी। एक युद्ध के बारे, जो भी विद्या होती है, ठीक है, उनके बारे में उन्होंने बहुत सारी जानकारी हासिल कर ली थी। ठीक है, अब उसी विद्या का उनको आगे जाकर, उसी प्रैक्टिस का उनको आगे जाकर फायदा होने वाला है। 1942 में उनकी शादी हो गई। उसके बाद 1951 सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया जी, 1842 में, 1842 में उनकी शादी हो जाती है। 1851 में उनको एक बच्चा होता है, लेकिन उनकी बुरी किस्मत समझो, वो जो बच्चा है वो 4 महीने जिंदा रहता है और किसी के साजिश में आकर उस बच्चे की मौत हो जाती है। ठीक है, फिर मनुबाई जो है रानी लक्ष्मीबाई टूट जाती है। ठीक है, उन्होंने अपने जीवन में एक दुख देखा, कौन सा? 1851 में उनका 4 महीने का जो पुत्र है वो मर जाता है किसी के साजिश के कारण। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 1853 में जो गंगाधर राव है उनकी तबियत खराब हो जाती है। 1853 में तबियत खराब होने के कारण गंगाधर राव क्या कहते हैं कि हम एक पुत्र, जो पुत्र है वो दत्तक लेते हैं। ठीक है, तो गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई के दोनों के आपस के बातचीत हो गई और उन्होंने एक सोचा कि हम दत्तक पुत्र लेते हैं। ठीक है, उन्होंने एक दत्तक पुत्र लिया, उसका नाम रखा दामोदर। ठीक है, उसका नाम रखा उन्होंने दामोदर। जो दामोदर है ना, दामोदर नेवालकर, ये दत्तक पुत्र है। दत्तक पुत्र मतलब तो अडॉप्ट बेबी। ठीक है, दत्तक का मतलब क्या होता है? अडॉप्ट, अडॉप्ट क्या हुआ? बच्चा। ठीक है जी, और 1853 में ही 21 नवंबर 1853 में गंगाधर राव जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो मनुबाई ने अपने जीवन में दो दुख देखे, एक अपना बच्चा खोया, सबसे बड़ा दुख तो ये होता ना अपने कोख का बच्चा खोना। उसके बाद 1853 में पति की मौत हो जाती है। अब पूरी झांसी किसके ऊपर आ जाती है? रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर। अब पूरे झांसी की दारोमदार रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर टिकी होती है। आप ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। ठीक है, उस वक्त हमारे देश में अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेज क्या करते थे? कुछ भी नियम बनाते थे। ठीक है, अगर उनको क्या करते थे, अगर कोई राज्य हासिल करना है तो वो उस राज्य के लिए कोई तो नया नियम बनाते थे और उस नए नियम के तहत, नए एक एक्ट के तहत वो राज्य को हासिल करते थे, हड़प लेते थे। हड़पने की नीति अंग्रेज को ज्यादा, इनके अलावा और कोई नहीं जानता। ठीक है, अंग्रेज इतने ज्यादा होशियार थे, इतने ज्यादा बदमाश थे, चतुर थे, किसी भी काम में अगर उनको कोई चीज चाहे तो लेते थे, चाहे उनके लिए कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद। ठीक है, नियम भी वही लाते थे और उसी नियम को तोड़ते थे अंग्रेज। ठीक है, उनको लगे यहाँ पर नियम तोड़कर हमें ये राज्य हासिल करना है, तो नियम तोड़कर वो राज्य भी हासिल करते थे, इतने बदमाश थे अंग्रेज। ठीक है, तो उसी अंग्रेजों के साथ पाला पड़ा रानी लक्ष्मीबाई का। अब उनकी कहानी देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर? अब उनके जीवन में क्या होता है, 1857 में हमारे देश में विद्रोह स्टार्ट हो गया अंग्रेजों के खिलाफ, जिन्हें हम रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, तो ये विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हो गया? आपको पता है, कोलकाता के बैरकपुर छावनी से। वहां पर मंगल पांडे जी ने क्या किया था, एक अंग्रेजों को मार दिया था। किस कारण मार दिया था? जो बंदूक चलाने की कारतूस रहती थी, ठीक है, उस कारतूस को छीलने के लिए दांत का उपयोग किया जाता था। उस कारतूस के ऊपर जो कारतूस बनाई जाती थी, ठीक है, तो किससे बनी होती थी? एक गाय के मांस से, ठीक है, और दूसरा सुअर के मांस से बनाई जाती थी। ठीक है, मुसलमान सुअर को नहीं खाते,
और हिंदू धर्म में गाय पवित्र मानी जाती है, तो इसी कारण मंगल पांडे ने किसकी हत्या कर दी थी, एक अंग्रेजों की हत्या कर दी थी। ठीक है, वहां से विद्रोह स्टार्ट हो गया पूरे देश में। ठीक है, वहां से विद्रोह स्टार्ट हो गया, उसी तरह उसी सेम टाइम में विद्रोह स्टार्ट हो गया था झांसी में। ठीक है, अब इस विद्रोह के पीछे कारण क्या था झांसी में, कि 1853 में जब गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है, तो अंग्रेज क्या कहते हैं, जब दामोदर पंत का अभिषेक किया जाने वाला था, तो अंग्रेज आते और एक नए नियम के तहत आते, कि अंग्रेज ये कहते हैं कि एक नया नियम आया है ब्रिटिश पार्लियामेंट से, कि दत्तक पुत्र को आप इस राज्य का वंशज नहीं बना सकते या इस राज्य का युवराज नहीं बना सकते। ठीक है, अगर आपके खुद का पुत्र हो तभी इस गद्दी पर बैठ सकता है, अन्यथा ये पूरी जायदाद अंग्रेजों की होगी। ठीक है, उन्होंने ये जस्ट नियम लाया था जब गंगाधर राव नेवालकर की जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई ने उनका नियम नहीं माना, तो अंग्रेज भड़क गए रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर। ठीक है, तो पहले से 36 का आंकड़ा था रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों का, जब वो मणिकर्णिका थी जब बचपन में। ठीक है, तो बचपन से अंग्रेजों के खिलाफ जाती, उनके खिलाफ बगावत करती, उनके खिलाफ जाके युद्ध छेड़ती। ठीक है, तो अंग्रेज पहले से चिड़े हुए थे रानी लक्ष्मीबाई जी के खिलाफ। तो 1853 में रानी लक्ष्मीबाई ने जो अंग्रेजों का प्रस्ताव था कि दत्तक पुत्र को युवराज नहीं बनाया जा सकता, तो उन्होंने वो ठुकरा दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज उनके खिलाफ भिड़ गए, रानी लक्ष्मीबाई भी उनके खिलाफ भिड़ गई। अंग्रेजों और इनके बीच हमेशा युद्ध होता था, रानी लक्ष्मीबाई कभी जीतती कभी अंग्रेज जीतते। लेकिन 1857 में लगभग लगभग मान लो मई जून के आसपास, ठीक है, झांसी की रानी के जो पड़ोसी राज्य है, ठीक है, वो उनके खिलाफ बगावत करने लगे। ठीक है, अंग्रेजों के साथ साथ अब पाला किससे साथ पड़ने वाला था, रानी लक्ष्मीबाई का पड़ोसी राज्यों के साथ। ठीक है जी, अब पड़ोसी राज्य कौन से, एक था ओरछा, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, ओरछा तथा दतिया, ये दो पड़ोसी जो राज्य थे, ये इनके खिलाफ बगावत करने के लिए उतर गए रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ। ठीक है, इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ मुहिम जारी कर दी। ठीक है, लेकिन इसमें जीत किसकी हो गई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की इसमें जीत हो गई। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, ठीक है, आपने कहा बहुत बार सुनी है। तो दो पड़ोसी राज्यों को हराया किसने, झांसी की रानी ने हराया। ठीक है, उसके बाद 1858 में, ठीक है जी, 1857 में तो ये हुआ, उसके बाद 1858 में मार्च महीने में अंग्रेज और रानी लक्ष्मीबाई के बीच सब बहुत बड़ा युद्ध होता है, और इसमें हार किसकी हो जाती है, रानी लक्ष्मीबाई की हार नहीं होती लेकिन इनडायरेक्टली हार होती है। इसलिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब अंग्रेज ने उनको पकड़ना चाहा, तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जो पुत्र है दामोदर पंत, उसको अपने पीछे बिठा लिया, उसको घट बांध लिया, एक क्या बोल सकते हैं उसको, पगड़ी का जो रहता है ना पगड़ी, उसी तरह उन्होंने ऐसे घट बांधा उसको पीछे, और वो किले से कूद गई। ठीक है, वो किले से कूद गई और वो सक्सेसफुली भी वो किले से कूद गई और वहां से भाग गई। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं लगी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो उसके बाद वो कहाँ गई, मध्य प्रदेश में गई तात्या टोपे की मदद मांगने के लिए, कालपी में। ठीक है, उस वक्त कालपी में थे तात्या टोपे। जगह कौन सी थी, जगह थी कालपी, और किससे मिलने गई थी, तात्या टोपे के पास मदद मांगने के लिए गई थी। तात्या टोपे ने उनकी मदद की। उसके बाद अली बहादुर सेकंड, अली बहादुर सेकंड ने रानी लक्ष्मीबाई की मदद की। अली बहादुर सेकंड कौन है, जो बाजीराव प्रथम और मस्तानी बाई थी उनके वंशज थे अली बहादुर द्वितीय। ठीक है, ये कौन थे, बाजीराव फर्स्ट, जिन्हें हम बाजीराव के नाम से जानते, जिनके ऊपर पिक्चर बनी थी, बाजीराव फर्स्ट और मस्तानी बाई के वंशज थे। ठीक है, इनके वंशज थे अली बहादुर सेकंड। इन्होंने भी झांसी लक्ष्मीबाई का साथ दिया अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में। ठीक है, कुछ भारतीय गद्दार थे जिन्होंने झांसी के रानी, जो झांसी की रानी है, उनका साथ नहीं दिया। अगर उन्होंने साथ दिया होता तो हम अंग्रेजों को वहीं पर भगाने में कामयाब हो जाते उसी वक्त, लेकिन इन गद्दारों की वजह से हम अंग्रेजों को नहीं भगा पाए। तो इसके बाद क्या हुआ, युद्ध और भीषण होने लगा। ठीक है, और इस पर
अंग जो झांसी की रानी के जो मेंबर थे, सदस्य थे, वो धीरे धीरे एक एक करके मरने लगे। तो झांसी की रानी वहां से भाग गई, और युद्ध कहाँ पर हो रहा था? ग्वालियर में, ठीक है। और सबसे बड़ा और आखिरी युद्ध हुआ झांसी की रानी का अंग्रेजों के खिलाफ ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ पर आता है जी? मध्य प्रदेश। कहाँ पर आता है जी? ये मध्य प्रदेश में आता है। तो ग्वालियर में सर ह्यू रोज, एक अंग्रेज का ऑफिसर था जिसका नाम था सर ह्यू रोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन झांसी की रानी किसी के हाथ न आने वाली थी, तो झांसी की रानी ने क्या किया? खुद को ही मार दिया। अब कहीं कहीं पर लिखा है खुद को मार दिया, अब कहीं कहीं पर लिखा है ह्यू रोज ने मार दिया, ठीक है। तो आखिरी युद्ध किसके साथ हुआ था? एग्जाम में पूछ सकता है, सर ह्यू रोज के साथ ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का आखिरी युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ह्यू रोज ने तो कहीं कहीं पर लिखा है हीरोज ने मारा, कहीं पर लिखा है कि रानी लक्ष्मीबाई खुद मर गई, मतलब अंग्रेजों के हाथ नहीं आना चाहती थी तो रानी लक्ष्मीबाई ने खुद को मार दिया था, ठीक है। तो जो हीरोज है ना, वो अपने डायरी में लिखता है, मैंने ऐसी लेडीज आज तक नहीं देखी, काश ऐसी लेडीज हमारे इंग्लैंड में पैदा होती तो हम पूरे देश की, पूरे दुनिया के ऊपर राज करते। मणिकर्णिका, मतलब रानी लक्ष्मीबाई, इतनी युद्ध में पारंगत थी और इतनी निडर थी और इतनी कॉन्फिडेंस के साथ युद्ध लड़ती थी कि जिसका कोई जवाब नहीं। ये सर ह्यू रोज अपनी डायरी में लिखता है। बाद में जब ये युद्ध खत्म होता है, तब एक दिन वो बैठकर अपनी डायरी में ऐसी बातें लिखता है कि सचमुच झांसी की रानी मर्दानी थी। तभी से हम कहते हैं ना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। किसी को एक आपका जो विपक्षी आदमी है या आपका जो विरोधी है, अगर वो आपकी तारीफ करे तो समझो आप बहुत ही महान हो, ठीक है। जिस तरह औरंगजेब तारीफ करता था छत्रपति शिवाजी महाराज के मरने के बाद, ए अल्लाह, सचमुच वो बंदा जन्नत में जाने के लायक है, ऐसे खुद वो कहता है औरंगजेब जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु होती है, ठीक है। क्या कहता है औरंगजेब कि ए अल्लाह, तू अपने जन्नत के दरवाजे खुले रखना, क्योंकि एक सच्चा फरिश्ता आ रहा है तेरे पास, ठीक है। उसी तरह सर हीरोज भी तारीफ करता था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, ठीक है। तो झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है, उनकी मृत्यु हो जाती है 18 जून 1858 में। ये भी तारीख याद रखिएगा, 18 जून 1858 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो 1857 का रेवोल्यूशन है, 1857 की जो क्रांति है, वो बाद में दब जाती है और फिर से अंग्रेजों का परचम भारत में लहराता है, ठीक है। तो आज की जो हमारी बायोग्राफी थी, बस इतनी थी, ठीक है। कल की बायोग्राफी, हम अब हमारी लगभग लगभग मान लो बायोग्राफी खत्म होने वाली है। अब इसके बाद हम देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का इतिहास, छत्रपति संभाजी महाराज जी का इतिहास, तानाजी मालोसरी जी का इतिहास, उसके बाद बाजी प्रभु देश पांडे जी का इतिहास, उसके बाद महाराणा प्रताप का इतिहास, उसके बाद हम देखेंगे पृथ्वीराज चौहान का इतिहास, उसके बाद हम देखेंगे सम्राट अशोक का इतिहास, ठीक है। अब हमारे पास कितने टॉपिक बचे? 5-6 टॉपिक बचे हैं बायोग्राफी के। उसके बाद हमारा बायोग्राफी खत्म, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।